छात्र संघ चुनाव का मुद्दा राजनीतिक रंग ले लिया है। भाजपा और कांग्रेस में छात्र राजनीति को लेकर तलवारें खिंच गई हैं। आपको बता दें कि डीएवी पीजी कॉलेज में पिछले एक सप्ताह से अनशन पर बैठे संयुक्त छात्र संघर्ष समिति के दो छात्र नेता अलग अलग मोबाइल टावरों पर चढ़ गए हैं, जिससे राजनीति गर्मा गई है। इस मामले पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि छात्रों की मांग उचित है, सरकार पिछले 2 महीने से केवल आश्वासन ही दे रही है। इस मामले पर भाजपा का कहना है कि सरकार इसी महीने छात्र संघ चुनाव सम्पन्न करवाएगी। साल से छात्र संघ चुनाव को लेकर हमारे जितने भी छात्र नेता पूरे राज्य भर के आंदोलन के लिए बाध्य हैं, क्योंकि छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। जो उनको शिक्षण संस्थानों में जो उनको जरूरत की चीजें मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि सारे चुनाव हो रहे हैं। आपने विधानसभा का चुनाव करा दिया, आप जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं वो चुनाव आपने करा दिए, आपने नगर निकाय के चुनाव करा दिए, तो छात्र संघ का चुनाव आप क्यों नहीं करा रहे? इसके लिए छात्रों को आंदोलन के लिए बाध्य क्यों होना पड़ रहा है? जहां तक मैंने कहा, ये विश्वविद्यालयों का विषय रहता है, उनका ही प्रशासनिक एकाधिकार भी है और अधिकार भी है छात्र संघ के चुनावों को कराने का, और छात्र संघ के चुनाव सही तरीके से संपन्न हो और नियमों के से संपन्न हो, ये उनका कार्य है। जहां तक माननीय मंत्री जी का प्रश्न है, शिक्षा मंत्री जी का, वो जरूर संज्ञान लेंगे, कोई ऐसा विषय उनके ध्यान में आएगा और वो संज्ञान ले भी रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई दिक्कत हो।